जांजगीर चांपा जिले के खोखरा रेलवे फाटक के पास पिछले 7 सालों से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, लेकिन 7 साल पूर्ण हो जाने के बावजूद भी ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों व शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर जांजगीर के प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया गया है। प्रदर्शन के गाने की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग व विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को उन्होंने समझाइश दी व मौके से नगाड़े को जब्त कर लिया गया। देखिए, अभी आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, नगाड़ा बजाने की परमिशन हमने नहीं दी थी, तो नगाड़े को जब्ती कर लिए हैं और इनके द्वारा ओवरब्रिज निर्माण में विलम्ब को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है, तो ज्ञापन इनसे ले लिया गया है और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जांजगीर और चांपा के मध्य जो खोखसा संपार है, इस पर ओवरब्रिज निर्माण पिछले 6-7 सालों से चल रहा है। लगातार इसके विलम्ब होने के संबंध में उच्च अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप सब मीडिया के साथी और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा संबंधित अधिकारी को अवगत कराया जाता रहा है, परंतु खेत का विषय है कि इस विषय पर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई और आज भी ओवरब्रिज का निर्माण अधूरा है। ओवरब्रिज निर्माण अधूरा होने के कारण लोगों को किस प्रकार की असुविधा हो रही है, यह सब भलीभांति परिचित है। आज जांजगीर के युवाओं ने यह तय किया कि खोखसा ओवरब्रिज के पास हम नगाड़ा बजाकर सोए हुए रेल प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे और उनको यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आज का यह आंदोलन शुरुआत है। ओवरब्रिज निर्माण के संबंध में कोई ठोस पहल अगर नहीं हुआ तो यह हमारा आंदोलन लगातार चलेगा। आंदोलन के विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। आज नगाड़ा बजाकर हमने इस पूरे आंदोलन का उद्घोष किया है और डीआरएम साहब जो अपनी हठधर्मिता में है, डीआरएम साहब जो अपने जिद में है, यहाँ आना नहीं चाहते, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की शालीन भाषा को समझ नहीं रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जांजगीर की जनता बहुत धैर्य रखती है, जांजगीर की जनता सम्मान देना चाहती है और जांजगीर की जनता अपने सोए हुए अस्मिता को लेकर लड़ना भी जानती है। तो आज जांजगीर की अस्मिता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं डीआरएम साहब और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस ओवरब्रिज के निर्माण के संबंध में अविलंब ठोस कार्रवाई करें और यहां के लोगों को बरगलाना बंद करें। आज हम लोग जांजगीर के युवा ओवरब्रिज अधूरे जो निर्माण बचा हुआ है, इसके लिए डीआरएम साहब को जगाना चाहे हैं और हम डीआरएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं, अपने एसी के कमरे से बाहर हैं। जांजगीर के लोग जितने शांत स्वभाव के हैं उससे भी अपनी बात मनाने के लिए जानते हैं। मैं निवेदन करता हूं, पिछले कई वर्षों से अधूरा रुका हुआ यह ओवरब्रिज का निर्माण अविलंब प्रारंभ हो और जांजगीर चांपा और आसपास के क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके, यही चीज़ को बताने के लिए, रेल प्रशासन की आँख खोलने के लिए हम यहाँ नगाड़ा बजा करके अपना प्रदर्शन किए हैं। बाइट देने के अधिकारी नहीं, नहीं हमारे जो एसपी लेवल पे है ना, वही लोग ज्ञापन दे सकते हैं। जांजगीर चांपा से संवाददाता लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।